श्री अकाल तख्त साहिब के सकतरेत वालों जारी किए लिखती बयान विच ज्ञानी रघबीर सिंह ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं वीपी तिवाड़ी की रिपोर्ट से कानूनी पक्ष तों घोख करके ढुकवी कार्रवाई करन दा आदेश दिता सी। इस ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का वफद अज भाई गुरदेव सिंह कोंके दे घर पहुंचे ते परिवार नाल इस बारे जानकारी ली। श्रोमणी कमेटी के जनरल सकत्तर गुरचरण सिंह गरेवाल ने इस मीटिंग की जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि श्री अकाल तख्त साहिब वालों जारी आदेश अनुसार इस मामले ते पहला कदम उठाउंदिआं मुहिम विढ दित्ती गई है। अज परिवार नाल गल करके मामले की जानकारी हासिल की जिस तों बाद हुण अगली कार्रवाई जल्दी ही शुरू की जाएगी। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह जी होरां वालों जो श्रोमणी कमेटी नूं हुक्म लाया गया है कि शहीद भाई गुरदेव सिंह जी कौंके जिन्हां नूं पिछले समय की जलम सरकार ने अणमनुखी तशद्दुद करके शहीद किया उन्हां दी जिहड़ी आई एंड तिवाड़ी वाली रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मद्देनज़र श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी नुकता निगाह नाल ते परिवार दे नाल राबता करके उन्हां दे खिलाफ़ एफ आई आर दर्ज कराउण दा जो हुक्म होया सी उस संबंधी जिहड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी साहब वालों साडे जिहड़े भगवंत सिंह जी सियालका जिहड़े कि एस जी पी सी के मैंबर ने साडे जिहड़े कानूनी विंग के जिहड़े ओह मुख ने ਉਹ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਂਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।